हेलो गाइस, वेलकम टू SPPS स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया ऑफ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, देशों की पहचान करें। हमें यहाँ पर देशों की पहचान करना है। क नंबर राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना, ठीक है। ये कौन सा देश है तो हमें यहाँ पर राइट करना है, इसका आंसर रहेगा नेपाल, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, ख नंबर पर चारों तरफ भूमि से घिरा देश। चारों तरफ भूमि से घिरा देश कौन सा देश है? नेपाल, ठीक है। हमें यहाँ पर आंसर में राइट करना है नेपाल। नेक्स्ट देखेंगे, ग नंबर पर दक्षिण एशिया का वह देश। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा श्रीलंका, ठीक है। कौन सा देश है? श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, ठीक है। कौन सा देश है ये? पाकिस्तान। तो हमें आंसर में राइट करना है पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण एशिया के वेफद्र में अव्यवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है, ठीक है। ये कौन सा देश है? भारत देश है, ठीक है। तो हमें आंसर में भारत राइट करना है। नेक्स्ट देखेंगे, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथों में थी। पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह एक गणतंत्र है, ठीक है। कौन सा देश है? मालदीव, ठीक है। मालदीव राइट में आंसर में राइट करेंगे मालदीव, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सरकारी की व्यवस्था वेफ कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। इसका आंसर रहेगा भूटान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीति प्रणाली चलती है। सेकंड देखेंगे, राजनीतिक देश और भारत में सॉरी बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। ग नंबर पर देखेंगे, साफ्रटा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें साफवर्फ सम्मेलन में हुए, ठीक है। घ नंबर पर देखेंगे, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा कथन गलत है? तो क नंबर, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीति प्रणाली चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप कट्टरतावाद आतंकवाद धर्मगुरु और एवं भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की, ठीक है। पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप कट्टरतावाद आतंकवाद धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की है। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने
लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से कम नहीं करने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? ठीक है, आंसर देखेंगे, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। ठीक है, फिर आधुनिक काल में सालों तक यहाँ से संवैधानिक राजतंत्र रहा। ट्रांसलेटर के दौरान राजनीतिक पार्टियां और आम जनता उत्तरदायी और पारदर्शी शासन के लिए आवाज़ उठाती रही, परंतु राजा नई सेना की सहायता से शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर रखा था। आखिरकार राजा ने 1990 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की वजह से नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मानी, लेकिन अति लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं भरा था। उन्नीस सौ नब्बे के दशक में नेपाल के अनेक हिस्सों पर माओवादियों ने प्रभाव जमा लिया। माओवादी सत्ताधारी सरकार के खिलाफ सहस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से सेना और माओवादी गुरीलों के बीच हिंसक लड़ाइयां हुई। इस प्रकार राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुए। 2002 में राजा ने सांसद भंग करके सरकार गिरा दी। 2002 में राजा ने सांसद भंग करके सरकार गिरा दी और थोड़ा बहुत बचा हुआ लोकतंत्र समाप्त कर दिया। अप्रैल 2006 देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और प्रदर्शन हुए। बाध्य होकर राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया। इस हिंसक प्रदर्शनों में सेवन पार्टी अलायंस, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रमुख थे। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा है। क्योंकि वहाँ संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो संविधान लिखेगी। नेपाल में राजतंत्र समाप्त होकर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में प्रमुख भूमिका कट्टरपंथी सिंहली और तमिल उग्रवादियों की है। श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है। आज़ादी के बाद ही श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय किसानों का दबदबा रहा। यह लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। सिहलियों का मानना है कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए।
तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। इस उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। ठीक है, 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए? भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत कर दोनों देशों में सहमति बनी। ठीक है, 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत पर दोनों देशों में सहमति बनी। भारत पाक ने परस्पर आर्थिक समझौते किए। भारत पाकिस्तान ने परस्पर आर्थिक समझौते किए। भारत पाकिस्तान ने साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए आपस में समझौता किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए हैं। जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई तथा दोनों नेताओं में मुंबई हमले के मुकदमे में तेजी और आरोपियों की आवाज़ों के नमूने सौंपने पर सहमति बनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देंगे। इस बैठक में जुलाई 2015 आतंकवाद के दोनों देशों के एनएसए की मुलाकात बीएसएफ रेंजर डीजी तथा डीजीएमओ संवाद पर सहमति बनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसी बैठक में दोनों देशों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे दो मसले के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश वेफ बीच आपसी सहयोग है। ऐसे दो मसले के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश वेफ बीच आपसी सहयोग है और इसी तरह दो ऐसे मसले वेप नाम बताइए जिन पर असहमति है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सहयोग के मुद्दे, ठीक है, आंसर में फर्स्ट पॉइंट है सहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। ठीक है, भारत बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। सेकंड, आतंकवाद भारत बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहे हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहे हैं। ठीक है, असहयोग के मुद्दे देखेंगे। चकमा शरणार्थी, भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग का एक मुद्दा चकमा शरणार्थी है। ठीक है, नंबर पे देखेंगे। भारत विरोधी गतिविधियां, बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां होती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को भारी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। देश पर बाहरी घटनाओं का असर होता है, चाहे वो अपने आप को इनसे अलग रखने की कितनी भी कोशिश करे दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले दशकों में भारत और चीन के संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है। ठीक है, भारत चीन संबंधों के लिए एक बड़ी कठिनाई
चीन के पाकिस्तान के साथ रणनीति साझेदारी है। वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के यह दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप के यह दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। इनके आर्थिक संबंध 1991 के बाद ज़्यादा मजबूत हुए हैं। दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव शीत युद्ध के बाद तेज़ी से बढ़ा है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है और भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में उधार नीति अपनाने के साथ ही आर्थिक सुधार भी हुए हैं। इससे अमेरिकी भागीदारी दक्षिण एशिया में और गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोग बहुताय से हैं। ठीक है, अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोग बहुताय से हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफ़ी अधिक है और बाजार का आकार भी बड़ा है। इस कारण इस देश की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित में बंधे हुए हैं। ठीक है,